25 मई 2013 को नक्सलियों द्वारा इस काफिले नेता और वो शीर्ष पर मौजूद श्री महेंद्र कर्मा जी की मृत्यु हो गई जिस कांड में, और उसमें एक 31 जवान भी, जो 31 लोग थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इस ग्राम में बहुत से बड़े बड़े नेता एवं बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे और विकास की बात किए। उस बीच 6 वर्ष बीतने के पश्चात भी ना यहाँ पर विकास हुआ ना कुछ हुआ। बस अभी तक कोई जरिया का ही पानी पीते हैं जिससे कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, जिस इंफेक्शन, खुजली, वायरस जैसे जीवाणु के शिकार होने की वजह से उन लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। और आज तक ना यहाँ पर विकास हुआ है ना विकास की बात हुई। बस चंद 2-3 समय ही था जिस समय मृत्यु, मतलब नक्सलवादियों द्वारा हत्या हो गया, उतना ही समय विकास का बात किया, लेकिन उसके पश्चात ना विकास के लिए अधिकारी आए ना नेता आए, बस उसको भूल गए। लेकिन हम उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार जो बनी है भूपेश बघेल की, और उनके द्वारा अगर ग्रामीण जनों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए और बिजली की सुविधा हो जाए तो इनको रोशनी मिलेगी और यहाँ के हम जैसे लोगों को पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जिससे कि विकास की बात हो सकती है और विकास हो जाएगा और हर ग्रामीण क्षेत्र के इंसान आगे बढ़ सकेंगे। कहाँ से निकल गई हो? Boring kader.